आज की इस वीडियो में हम आपको मोहरी का डिजाइन और मोहरी पर लेस का डिजाइन बनाना बताएंगे। तो ये हमारा फॉर्म है और इधर की साइड हम ये आधा इंच कपड़ा रख लेंगे और बाकी का ये वाला हमारा जो कपड़ा है इसको हम इस तरीके से इस पर फोल्ड कर देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने ये फॉर्म पर कपड़ा फोल्ड कर इस पर सिलाई लगा ली। अब ये हमारा मोहरी वाला पार्ट है, तो ये हमारा मोहरी वाला साइड है जो इसके ऊपर हम ये फॉर्म रखेंगे। ये हमारा कपड़ा सीधा रखा हुआ है, हम इसको उल्टा कर लेंगे ये, और उल्टी साइड इसको ये फॉर्म है हमारी, हमें ये उल्टी रखनी है इस तरीके से, और यहाँ पर इसके किनारे पर सिलाई लगा देनी है हमें। ये हमने सिलाई लगा ली इस पर, अब हम इसको इस तरीके से सीधी साइड फोल्ड कर देंगे। अब जहाँ से ये हमारा मोहरी वाला कपड़ा आया वहीं से हम इस लेस को रख देंगे। इस तरीके से हमने ये मोहरी के नीचे लेस रख दी और हमें ये लेस इतनी रखनी है। इसकी जो हमारी ये वाली गोटा वाली पट्टी है ये हमारी इसके नीचे रहने चाहिए, और ये जो हमारे कंगूर हैं ओनली वो बाहर की साइड आने चाहिए, और इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। इसकी हमने एक साइड लेस लगा ली, अब हमें दूसरी साइड ये जो हमारा ऊपर वाला साइड है ये लेस हमें इसके नीचे रखनी है, और इसकी कंगूरे ओनली इतना हमें ये ऊपर की साइड लाना है, और इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा देनी है। ये हमने दोनों साइड इसकी लेस लगा ली। अब हमारी ये जो सिलाई लगी हुई है यहाँ पर हम छोटी वाली लहर का डिजाइन डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर इसके बूट की सिलाई लगा लेंगे। अब ये वाला जो डिजाइन हमने इधर डाला है इसी तरीके से हम इधर भी डाल लेंगे। अब हम इधर की साइड भी बूट की सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारे बीच में इतनी प्लेन जगह है इसके बिल्कुल बीच में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमारी ये वाली जो दोनों साइड प्लेन जगह है इसमें हम बड़ी लहर का डिजाइन डालेंगे। ये हमने एक साइड बड़ी लहर का डिजाइन डाल लिया, अब हम दूसरी साइड पीस में बड़ी बड़ी लहर का डिजाइन डाल लेंगे। ये हमने दोनों साइड बड़ी वाली लहर का डिजाइन डाल लिया। अब ये जो हमारी बीच में प्लेन जगह है इसमें हम कांटे वाला डिजाइन डाल लेंगे। ये हमने दोनों साइड इसमें ये जो डिजाइन डाल रखा है ये हमारी बीच वाली सिलाई है, अब हम इस सिलाई को डबल कर देंगे।